आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर। आज तक के शो हल्ला बोल में जोरदार बहस। बीजेपी प्रवक्ता बांसुरी स्वराज ने आप पर साधा निशाना, कहा सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है आप। प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा ये एक ऐसा घोटाला है जिसमें सरकार ने राजस्व बढ़ाया। बोल का मूल तभी होता है जब एक्चुअली में आप उस पर काम करें। आम आदमी पार्टी की सरकार जो बार बार कहती है कि वो तो कट्टर ईमानदार है, वो आज के दिन सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रियंका जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, कृपया मुझे अपना पॉइंट रखने दीजिए। आप लोगों ने यहां पर बैठ के पैनल पे बहुत बड़े बड़े दावे करे हैं, कृपया मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे आप, मैं अपने इससे नहीं बोल रही हूं, ये देखिए ईडी का ऑफिशियल अकाउंट का ट्वीट है 7 जून 2022 का। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूं, मुझे एक बताइए कि ये लेकर स्कैम में 144 करोड़ लाइक की लागत की लाइसेंस फीस बिना कैबिनेट अप्रूवल के कैसे पास कर दी गई? ड्राई डे 21 से उनकी संख्या घटाकर 3 दिन पर कैसे कर दी गई? अगर नहीं हुआ घोटाला तो बताइए ये सारी की सारी चीजें कहां हैं? और जो मैं बार बार बोल रही हूं कि 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स की बात, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये दिल्ली हाई कोर्ट की फाइंडिंग है। आप बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने केवल सवाल पूछे हैं। आज के दिन अगर जुडिशियल फाइंडिंग होगी तो वो केवल हाईकोर्ट ऑर्डर की होगी ना, जिसके तहत बेल रिजेक्ट करी गई है। देखिए होता क्या है, चोरी और सीना चोरी। एक पार्टी, एक विपक्ष की पार्टी जो दिल्ली की जनता ने चुनी ऑन एन एंटी करप्शन प्लैंक, आज वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इंडी अलायंस इन्वॉल्व्ड इन करप्शन तक पहुंच गई है। दुर्भाग्य है ये दिल्ली का। ठीक है, ठीक है प्रियंका जी, सिर्फ एक लाइन, क्योंकि आप बहुत देर से, और वो दिन तो ऐसे थे कि शराब पसंद करने वालों के दिल इतने गुलजार थे कि बॉटल पर एक बॉटल फ्री मिल रही थी दिल्ली में। अंजना जी, मैं आपको बता रही हूँ कि ये देश की सर्वश्रेष्ठ एक्साइज पॉलिसी है और यही पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंटेड है राइट नाउ। इससे स्पूरियस लिकर भी बंद होगा, इससे कार्टलाइजेशन भी बंद होगा, इससे मोनोपोलाइजेशन भी बंद होगा। ये इंटेंशन था एक पढ़ी लिखी सरकार का, ये नई पॉलिसी बनाने का। और ये पॉलिसी से सरकारी राजस्व बढ़ा। मैं सबसे सिंपल तर्क ये है कि एक ऐसा घोटाला है कि इसमें सरकारी राजस्व बढ़ाया, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो।